Download Tarang Online Radio app from Google Play Store. मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपका यह तीसरा आयोजन है और मैं भी तीसरी बार उपस्थित हूं। और भविष्य में भी उम्मीद करता हूं कि जब भी आयोजन होगा आपका, मैं निश्चित रूप से उसमें भाग लूंगा। अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनके ध्यान में था और वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई थी। एक तो मंत्रालय का टीम बना था कि पता लगाए ये क्या कारण है। तो जानकारी ये आई कि हम यूरिया बनाने वाली फैक्ट्री को जो पैसा देते हैं, यूरिया जो बनता है इसमें से 35% यूरिया बैक दरवाजे से किसान के ये मार्केट में नहीं जाकर केमिकल फैक्ट्रियों में चला जाता, सिंथेटिक दूध बनाने में चला जाता है। तो अटल जी ने तुरंत वैज्ञानिकों की टीम बनाई कि इसको रोकने का क्या उपाय। तो इसी आए वहां उस समय के ज्वाइंट सेक्रेटरी कोई रिटायर किए, वो जिंदा है, पिछले साल हमने उनको सम्मानित भी किया था। 2 बरस के अंदर हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने नीम कोटेड यूरिया का इजाद किया और फील्ड ट्रायल किया और कृषि मंत्रालय को दिया कि इसको लागू करें। आपको आश्चर्य होगा कि 2014 तक इसकी गंभीरता से चिंता नहीं की गई। इतिहास की बात मैं इसीलिए करना चाहता हूं। तो निश्चित रूप से किसानों की समस्याएं गंभीर बनी रही, लेकिन आज हमें प्रसन्नता होती है कि इस देश में 48 वर्ष तक अभी एक परिवार ने शासन किया जिसने इसकी चिंता नहीं की। 38 साल तो स्वयं एक परिवार और 10 साल उसी के इशारे पर, 48 वर्ष। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 48 महीना अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, गांव का बेटा, बर्तन मांजने वाली का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना है, तो 2 साल के अंदर अब इस देश में एक दाना भी यूरिया बनता है तो नीम कोटेड बनता है, और विदेश से आता है तो बंदरगाह पर ही नीम कोटेड होता है, और हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी कोने में यूरिया के लिए हाहाकार नहीं है, ब्लैक में नहीं खरीदना पड़ता है और समय पर मिलता है। मैं एक समस्या के विषय में आपको बताया, समस्याएं चुनौतियां आज बहुत बरकरार है। हमने सबका समर्थन मूल्य बढ़ाया, दलहन तिलहन का भी बड़ी बड़ी मात्रा में उसको की बढ़ोतरी की, और खरीदारी देखा कि हमारे आने के पहले 8 लाख मीट्रिक टन की खरीदारी हुई थी, अभी तक हम 64 लाख मीट्रिक टन के खरीदारी के आदेश दे चुके हैं जिसमें 36 लाख मीट्रिक टन की खरीदारी हुई है, लेकिन फिर भी किसानों को जो मिलना चाहिए वो सबको नहीं मिल पाए, और कई जिन्सों के तो दाम बिल्कुल 50% से लागत है। और इसके पीछे कारण बहुत साफ था कि इसका राज खजाने पर बहुत बोझ पड़ना है और खरीदारी राज्यों के माध्यम से होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, इस बार कहा कि जो देश का खजाना है उस पर पहला अधिकार देश के किसानों का है, और इसलिए बोझ चाहे जितना पड़े, जिसका 50% से ज्यादा और जिसका नहीं है उसको भी 50% से ज्यादा करना
और राज्यों से बातचीत करके ये सुनिश्चित करना कि समर्थन मूल्य से जब बाजार नीचे आता है तो पैसा अंतर जो है वो किसान को कैसे मिले, और इसके लिए एक महीना से हम लगे हुए हैं, नीति आयोग लगा हुआ है, राज्यों से बात कर रहे हैं, और इस बार खरीफ का जो फसल आएगा उसके बाद निश्चित रूप से राज्यों के माध्यम से हम इसको सुनिश्चित करने वाले हैं। अब ये समस्या है, लेकिन 3 वर्ष के अंदर की समस्या नहीं है। 3 वर्षों के अंदर तो हमने घोषित किया तो खरीदारी भी ज्यादा किया, लेकिन राज खजाने के बोझ से जो सब डरते थे, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ ऐलान कर दिया है कि जितना भी बोझ पड़ेगा पड़ेगा, और ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई है कि सबका बढ़ाना और सबको इस सुनिश्चित करना। हम जब सरकार में आए थे 67 साल गुजरे थे, सिर्फ एक ही रहा देश में, 2 नहीं बना जहां से 100 कम से कम पीएचडी के विद्यार्थी निकलते हैं, पीजी के स्टूडेंट निकलते हैं। ऐसा क्यों? और उसी इतिहास को झांकने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने तुरंत घोषणा की कि इसी प्रकार का हम 2 IRI की स्थापना करेंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 3 साल पहले, और दूसरी हरित क्रांति का केंद्र पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर का भारत, जलवायु की अनुकूलता है, 3 साल पहले सरकार बनते हैं प्रधानमंत्री की पहली घोषणा थी कि हम इसी प्रकार का 2 बनाएंगे। तो न सिर्फ घोषणा की बल्कि उसके बाद दूसरे वर्ष में बनारस, कलकत्ता, रांची और पटना के बीच का जो पॉइंट है पूर्वी राज्यों के लिए, बरही के अंदर 1000 एकड़ जमीन के अंदर उसका शिलाधार रखा गया और आज तेजी से उसका निर्माण हो रहा है, 2रा IRI। अंग्रेज के समय नाम था इंपीरियल, बाद में फिर वो बदला, भारतीय शब्द जुड़ा। हमारी घोषणा पूर्वोत्तर के राज्य के लिए भी थी, लेकिन अनुकूलता नहीं थी। 4-4 बार मुख्यमंत्रियों से मिलने जाने के बाद भी जमीन देने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन वहां की जनता ने व्यवस्था में बदलाव किया। असम के अंदर जब नई व्यवस्था आई तो आने के 3-4 महीना के अंदर ही हमको जमीन मिल गया, और 3रे IRI की शिलाधार भी 6 महीना पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने लखीमपुर जिला के अंदर रखा है, जो अरुणाचल और असम के बॉर्डर पर है। इन बुंदेलखंड की समस्याओं को देखते हुए 4 कॉलेज, 2 मध्य प्रदेश के अंदर और 2 इसका भी हमारा काम तेजी से वहाँ प्रारंभ हो गया है। और जो पूछा यहाँ उठ कर आया, वहाँ एक छोटा यूनिवर्सिटी था। अब योजना आयोग ने वर्षों पूर्व कहा था कि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर में इस प्रकार के बनते नहीं थे। लेकिन योजना आयोग ने सैद्धांतिक सहमति बहुत पहले दी थी और वो भी पेंडिंग था। मोदी सरकार आने के बाद उस पूसा के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रूप दिया है, और आपको आश्चर्य होगा कि 3 वर्षों के अंदर वो काफी प्रगति, कुशल मानव संसाधन। अपने यहां 73 यूनिवर्सिटीज, हमारे 5-5 भी से बैठे हुए, किसी का एग्रीडेशन होता था क्या? नहीं होता था। हम एक यूनिवर्सिटी में गए, महात्मा फूले यूनिवर्सिटी अहमदनगर जिले में, मुझे बताया गया, और बहुत विशाल यूनिवर्सिटी, 1000 एकड़ जमीन, भव्य इमारतें, उसकी साख भी बहुत अच्छी। मुझे बताया गया कि इसकी सहायता रोक दी गई है। हमने कहा कि तो अनर्थ है, ये तो अच्छी बात नहीं है। हम यहाँ आए, बैठक किए, तो जानकारी ये हुई कि एग्रीडेशन जो नहीं होता था, तो फिर एक प्रकार से यूनिवर्सिटी भी दुकान के तरह हो गया था। दुकान का मतलब 80 कॉलेज खोल दिए,
80 कॉलेज को शायद वहां से मान्यता देकर जिस नेता की इच्छा हुई उसने एक कॉलेज खोल दिया और व्यवसाय शुरू हो गया। एक एक्रेडिटेशन में सब पकड़े गए थे और वहां कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। फिर मुख्यमंत्री से बातचीत करके उन्होंने एक पत्र दिया जो कमी दूर करेंगे, इसको ठीक करेंगे, तो तुरंत एग्रीडेशन उसको हमने दिया। लेकिन अभी तक 63 यूनिवर्सिटी का हमने कराया। कोई मानदंड नहीं देश में, देश किधर जा रहा है ये तो हम देख रहे थे 70 साल में। कृषि शिक्षा भी किधर जा रहा था इसकी भी चिंता करने वाले लोग नहीं थे। जो 16 मिलियन टन का हम उत्पादन करते थे, एक वर्ष में 23 मिलियन टन का उत्पादन किया और अब एक दाना भी दाल हम बाहर से नहीं मंगा। अब चुनौती तिलहन है, हम उस चुनौती का भी सामना करना शुरू किया है और निकट भविष्य में उस पर भी हम विजय प्राप्त करेंगे। समस्याएं हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन इन समस्याओं से निपटने के लिए यदि 10 वर्ष 15 वर्ष पहले प्रयत्न किए गए होते या 2099 से 4 तक जो जतन हुए, जो बुद्धि लगाई गई, जो परिश्रम किया गया, जो पसीना बहाया गया, उसको यदि एक परिवार ने कैदी नहीं बनाया होता तो आज किसानों के सामने संकट नहीं होता। हम हैं तरंग ऑनलाइन रेडियो वर्ल्ड। डाउनलोड तरंग ऑनलाइन रेडियो ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।